दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया है। देर रात मॉस्को से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान की लैंडिंग से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन सभी एजेंसियां रात को सतर्क हो गई। फिलहाल पूरे विमान की चेकिंग की जा रही है और एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है। सभी यात्रियों के सामान की एक एक कर चेकिंग हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बताया गया है कि देर रात 11:15 पर एक कॉल से सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि रात 3:30 पर जो फ्लाइट मॉस्को से एयरपोर्ट के T3 पर आ रही है उसमें बम है। 2:30 के आसपास सुरसा टीम अलर्ट हो चुकी थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और दूसरे रेस्क्यू दलों को भेजा गया और विमान को रनवे 29 पर उतारा गया। इसके बाद से ही विमान की चेकिंग की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। बम मिलने की खबर के बाद अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। एक पूरी टीम यात्रियों की सख्ती से चेकिंग कर रही है, वहीं दूसरी टीम को प्लेन में चेकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। एहतियात के तौर पर हर चीज की अच्छे से जांच की जा रही है। पहली नजर में बम की इस कॉल को एक अफवाह के तौर पर देखा गया था। इससे पहले ईरान से चीन जा रही फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद यात्री विमान के पायलटों से दिल्ली ATC से संपर्क कर विमान उतारने की अनुमति मांगी थी। हालांकि भारत की ओर से जयपुर और चंडीगढ़ में विमान उतारने का विकल्प दिया गया था, लेकिन पायलटों ने विमान को उतारने से मना कर दिया। इसके बाद विमान करीब 45 तक भारत के ऊपर उड़ता रहा। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स अलर्ट पर आ गई। एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान इसके पीछे लगा दिए थे। ईरान से हरी झंडी मिलने के बाद विमान को चीन के लिए रवाना किया गया था। फ्लाइट को भारत की सीमा से बाहर किया गया था। हालांकि चीन में जब विमान की जांच की गई थी, जो फ्लाइट में कोई बम नहीं मिला, यानी बम होने की सूचना सिर्फ अफवाह थी।